दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है वो सेकंड क्लास है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो एक वीडियो आपको अपलोड किया था, क्या वीडियो था, उससे मैंने आपको बिंदु, रेखा और कोण के बारे में समझाया था। तो वहाँ पर मैंने कोण जो टॉपिक है वो बच गया था, बिंदु रेखा के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट थे, परिभाषा वगैरह थी, लेकिन कोण था, एंगल था, वो बच गया था। तो आज की क्लास में हम लोग एंगल करने वाले हैं। तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ऑलरेडी जियोमेट्री के तीन पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और तीन अपलोड कर चुका हूँ घन और घनाभ से, चौथा मैंने अपलोड किया बिंदु रेखा कोण से। और आज जो हमारा लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 5 है। तो आज जो लेक्चर 5 है, आज की शुरुआत करते हैं। और आपको प्रत्येक क्लास की PDF फाइल चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और WhatsApp ग्रुप में मैसेज करें। अगर आपको WhatsApp ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर क्या करें, अपना नाम लिख करके मैसेज करें, आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको PDF फाइल मिल सके। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई आकृतियों को कोण कहते हैं। अब दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा देख लीजिए आप लोग, जो है दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का करना मतलब क्या, एक दूसरे को काटना। मान लो कि इस रेखा को मैं अगर पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो इस प्रकार से जाएगी, और इस रेखा को मैं पीछे करूंगा तो इस प्रकार जाएगी। तो दोनों बिंदु, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उससे को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहा जाता है। और ये कोण का मान कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में क्या ले लिया है, थीटा डिग्री ले लिया है। आप किसी भी प्रकार की आकृति बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है या कोई आवश्यक नहीं कि मैंने ही बनाया है इसी प्रकार से हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, कि मान लो कि इस प्रकार से ये है और इस प्रकार से मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पर भी दो रेखाएं क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद हो रही हैं, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये कहला जाता है कोण। तो ये बेसिक परिभाषा थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड है आसन्न कोण। क्या है, किसी कोण में उभयनिष्ठ भुजा का होना आसन्न कोण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने ये आपको दिखाया है कोण के माध्यम से, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो कोण है ये टोटल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। लेकिन इस कोण में देखिए एक क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण यह कोण दो पार्ट में बट चुका है। मान लेते हैं ये अल्फा कोण है तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, बीटा कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली जो भुजा होगी वो भुजा कौन सी कहला जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। और यहाँ से जो कोण बनेंगे वो कौन से कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण क्या होता है, यानी कोणों के प्रकार। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, आप लोग खुद पढ़े हैं मिडिल क्लास में। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। यानी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, लेकिन उसका मान 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल होगा न्यून कोण कहलाएगा, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। सेकंड है समकोण, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग फिगर पे, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण सजेस्ट किया गया है। किसी भी प्रकार की दो रेखाओं से बना हुआ एंगल जहाँ पर 90 डिग्री बने वह कोण कहलाता है, समकोण। तीसरा अगला अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो। बिल्कुल 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, कौन सा एंगल कहलाएगा, अधिक कोण। यानी ऐसा कोण या ऐसा एंगल जिसका मान या जिसकी माप 90 डिग्री से 180 के बीच में होगी क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा।
चलिए इस प्रकार से ये तीन कोण आपको समझ में आए होंगे, बेसिक हैं, बहुत छोटे छोटे कोण हैं। और अगला कोण है ऋजु रेखीय कोण, या इसे ऋण कोण के नाम से भी जाना जाएगा। अब ऋण कोण किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो यह एक सीधी रेखा में होता है, ये आपको दिख रहा होगा, एक सीधी रेखा में होता है। और इसका टोटल जो माप होता है वो होता है 180 डिग्री। किसी भी प्रकार की रेखा हो, आड़ी हो या तिरछी हो, उस रेखा पे एग्जाम्पल रूप में देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइन ड्रा कर रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपसे कहूँ कितने डिग्री का कोण है, तो आप बोल सकते हो 180 डिग्री का। या मैं यहाँ पर एक रेखा ड्रा करता हूँ और यहाँ पे आपसे पूछूँ कितना डिग्री का एंगल है, तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री का एंगल है। यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो एंगल संबंधी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। चलिए हम कोणों की ओर चलते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये है अब पूरक कोण या तो कोटि पूरक कोण। सवाल एमपीटेट में, रीट और अन्य कंपटीशन एग्जाम में, व्यापम में आए हुए सवाल हैं। सवाल पूछा गया था पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होता है। ऐसे कोण जिन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है अल्फा और बीटा, यानी कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अगर मुझे अल्फा कोण मालूम है तो मैं बीटा कोण निकाल सकता हूँ 90 माइनस कोण बीटा से, या मुझे कोण बीटा अगर निकालना, कोण अल्फा का मान मुझे मालूम है तो 90 डिग्री कोण अल्फा करके मैं दोनों मानों को निकाल सकता हूँ। और यहाँ से 100% बोल रहा हूँ, एक नंबर का सवाल एमपी टेट में आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। इसके बाद संपूरक कोण क्या होता है या ऋजु पूरक कोण, दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अगर मुझे कोण बीटा का मान ज्ञात करना है, कोण अल्फा मुझे मालूम है, तो 180 डिग्री में कोण अल्फा को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। या मुझे कोण बीटा जो उसका मान मालूम है और कोण अल्फा निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 180 से कोण बीटा को माइनस करूँगा तो कोण अल्फा को ज्ञात कर सकता हूँ। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम जा रही होगी, बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। अगली जो चीज़ बता रहा हूँ वो देखेंगे, सीधी रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बात किया, जैसे कि फिगर में भी दिख रहा होगा, ये एक सीधी रेखा दिख रही है, इसमें चार कोण हैं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार। यानी कोण एक, धन कोण दो, धन कोण तीन, धन कोण चार इजिकल टू 180 डिग्री। इन सभी चारों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इस प्रकार से थ्योरम भी हमें सवालों में काम आने वाली है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा आप लोग। किसी बिंदु पर स्थित सभी कोणों का योग 360, ये भी बहुत सिंपल है। ये जितने भी कोण हैं, अगर मैं इनका नाम देना चाहूँ तो कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, पाँच, छः, सात, आठ, सभी एंगल का अगर मैं प्लस करूँ, ठीक है दोस्तों, सभी एंगल को मैं अगर प्लस कर दूं तो भी क्या होने वाला है, सभी एंगल का मान 360 डिग्री होने वाला है। यानी जितने भी एंगल है यहाँ से यहाँ तक, सभी का मान होता है कितना, टोटल 360। और इस प्रकार से यहाँ से भी सवाल बनने वाले हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको सवाल कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, आपका फोकस सिर्फ चीज़ों को समझने में होना चाहिए, सवाल के लिए मैं अगला वीडियो आपको देने वाला हूँ। अब सबसे मोस्ट, और सबसे कहना चाहिए मोस्ट या महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वो अब समझने वाले हैं। इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं दिख रही होंगी आपको, एग्जाम्पल नंबर इसको मान लेते हैं ए बी, और इससे मान लेते हैं सी डी, एक रेखा मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। तो इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को क्या एक रेखा
प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोण बनेंगे। तो देखो कैसे कोण बनने वाले हैं कि ये दो रेखाएं हो गई, ये प्रतिच्छेद कर दी, तो कुछ कोण बनेंगे। मैं उनका नाम दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या कैसा होगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा आप सभी लोगों को दिख रहा है, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले या घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एंगल। तो मैंने इसको दिया एंगल फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल दो या टू, इसको मैंने दिया एंगल थ्री, और इसको मैंने दे दिया एंगल फोर। सबको समझ में आ रहा दोस्तों? इसी प्रकार यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया एंगल फाइव, इसको मैंने नाम दिया एंगल सिक्स, इसको नाम दे दिया मैंने, और इसको दिया एंगल सेवन, इसको दे दिया एंगल एट। तो सभी प्रकार से मैंने नामकरण कर दिया एंगलों का। अब देखेंगे एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा के यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल थ्री, और इस रेखा यानी कि आपसे मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, जेड आकार की आकृति ये दिख रहा दोस्तों आपको, ये जेड आकृति। तो ये जो जेड आकृति दिख रही, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको कहा जाता है एकांतर। यानी कि एंगल तीन बराबर एंगल आठ, हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल तीन और ये हुआ एंगल आठ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि एक के अंतर में है ना, इसलिए एकांतर। इसके बाद और कौन कौन से कोण है दोस्तों या एंगल, तो एंगल टू एंगल फाइव के बराबर है। किस प्रकार से देखिए, ये एंगल टू इस एंगल फाइव के बराबर है। यहाँ पर किस प्रकार की आकृति दिख रही है, यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से क्या है, आकृति दिख रही होगी जेड आकार आकृति। यहाँ पर एंगल फाइव और ये एंगल टू, ये भी दोनों एंगल किस प्रकार से हैं, एकांतर कोण है। तो कोण दो बराबर कोण पाँच भी होगा, यानी एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव। तो एकांतर कोण आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। सेकंड है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ऐसे कोण जो शीर्ष में होंगे। आप लोग देखेंगे ये दिख रहा आपको एंगल वन और ये दिख रहा होगा आपको एंगल टू, तो इनको कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर होगा एंगल एक यानी वन इक्वल टू एंगल टू। इसी पर देखेंगे दोस्तों एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, क्यों कि एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ये कैसे बने शीर्षाभिमुख को। शीर्षाभिमुख का मतलब एक दूसरे को ऊपर बने हुए शीर्ष में, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या है, एक हो सकता है एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, ये देखिए एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। सबको समझ में आया होगा। तीसरा पढ़ने वाले हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होंगे दोस्तों, संगत कोण देखिए, अब आपको मैं संगत कोण दिखा रहा हूँ। आप एंगल फोर और एंगल एट को देखिए, एंगल फोर को देखिए और एंगल एट को देखिए, यानी कि एक ही रेखा पर, इस प्रकार से एक ही रेखा पर ये जो कोण बनेंगे, इन कोणों कहते हैं संगत कोण। संगत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही रेखा के संगत बने हुए हैं, इस इनका नाम पड़ा संगत कोण। यानी एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँगा तो एंगल टू इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सिक्स। ये देखिए आप एंगल टू और एंगल सिक्स को। इसी प्रकार एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, ये है एंगल वन और ये है एंगल फाइव। फिर एंगल आपको मिलेगा थ्री इक्वल टू एंगल किसके बराबर, सेवन। ये है एंगल थ्री और ये एंगल सेवन, क्योंकि ये संगत भुजाओं के संगत बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ा दोस्तों, संगत कोण। तो तीन प्रकार के कोण, कोणों का निर्माण होता है या कोण बनते हैं। पहला है एकांतर कोण, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, और तीसरा क्या है, संगत कोण।
तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने एंगल के बारे में सारे डेफिनेशन क्लियर कराया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना दोस्तों। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आप लोगों के लिए उतना ही बढ़िया कंटेंट तैयार करूँगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।